फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि आपने ओवन के रिलेटेड मुझे पूछे थे। तो ओवन के में बहुत सारी परेशानी आ रही है सब, कई सारे यूज़र्स को, कईयों के घर में, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके घर में ओवन होते हुए वो अपने केक कुकर में बना रहे हैं। तो यही सब मुश्किलों को मैं आज आसान करने की कोशिश करूंगी अपने इस वीडियो से। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, तीन ऑप्शंस होते हैं माइक्रोवेव में, हर एक मोर और लेस सभी ओवन सेम होंगे। मैं अपने ओवन के बारे में बता देती हूँ आपको डिटेल्स में। यहाँ पर माइक्रोवेव होता है जिसमें आप खाना बना सकते हैं, आप खाना गर्म कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है वो एकदम ईजी होता है आपको यूज़ करना, इसमें आपको कुछ प्री हीट वगैरह करना नहीं होता है और आप आसानी से अपना खाना बना सकते हैं इसके अंदर, गर्म कर सकते हैं। आपको पोटैटो बॉईल करने हैं वो कर सकते हैं, आपको चाय कॉफ़ी गर्म करनी है बस आपने उसे रखा और माइक्रोवेव का बटन दबाया और बस अपने आप उसको एक मिनट के अंदर वो गर्म हो जाती है। आप उसको कोई भी और बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ स्टार्ट का बटन दबाइए और वो एक मिनट के अंदर आपका चीज़ गर्म हो जाती है। सेकंड होता है ग्रिलिंग का, जिसमें आपका मेनली क्या होता है, आप ब्रेड ग्रिल कर सकते हैं, आप पनीर कर सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम क्या होता है, उसका आपका कलर चेंज होता है, उसमें कुकिंग कम होती है और कलर चेंज हो जाता है। थर्ड होता है कन्वेक्शन मोड, जिसमें सबकी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कन्वेक्शन मोड ही है। तो चलिए इसी के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले इसमें जब भी आप कन्वेक्शन मोड यूज़ करें तो इसे प्रीहीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो गर्म होकर 180 डिग्री पर जैसे हम प्रीहीट करते हैं तो वो उस लेवल पे आ जाता है आपका ओवन कि आप 180 डिग्री तक गर्म हो जाता है। और वो 5 मिनट तक जब वो एंड हो जाएगा उस वक्त तक आपको अपना केक का बैटर वगैरह तैयार रखना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त 180 डिग्री पर है और जैसे जैसे वो टाइम होगा आप 5 मिनट लेट करेंगे वो उसका लेवल डिक्रीज होते जाएगा। तो आप उसके लिए हमेशा ट्राई करें जैसे ही आपका प्रीहीट हो जाए ओवन, आपका केक का बैटर तैयार हो ओवन में जाने के लिए, उससे आपका केक बहुत अच्छे से राइज होता है। सेकेंडली, जब आप अपना केक को डाल देते हैं तो हर एक केक के लिए डिफर होता है टाइम। अगर आपका केक का बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और वही थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसको टाइम कम लगता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत देखकर चलना पड़ेगा, कोई भी बॉन्ड परफेक्ट नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा अपने ओवन के ऊपर, क्योंकि हर एक ओवन टाइम भी थोड़ा अलग अलग लेता है। अगर आपने केक टिन चौड़ी वाली ली है ऊपर तक लंबी, तो उस केक को बेक होने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपकी केक टिन फ्लैट है तो उसको टाइम कम लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, साथ ही रेसिपी के अंदर भी आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। और 5-7 मिनट इधर उधर हो सकता है तो आप केक को हमेशा चेक करके देखें, सिर्फ ऊपर से देखने से कई बार वो लगता है कि सिक गया है, लेकिन आप उसमें टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करके देखें कि वो अंदर तक सिका है या नहीं सिका है, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार ऊपर से केक आपको लगेगा सिक गया है लेकिन वो अंदर से कच्चा रहता है, तो आपको उसको वो टाइम भी देना पड़ेगा। और अगर आप 1 kg का केक आप उसे बेक कर रहे हैं तो उसमें आप मानकर चलिए आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। वही 1/2 kg का आप बेक कर रहे हैं केक तो उसको आप 20 मिनट 25 मिनट भी लग सकता है, वो हर एक टाइम पे डिफर होता है। तो ये सब कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको खुद को भी थोड़ा बहुत देख कर इसे आपको सीखना पड़ेगा। आप कन्वेक्शन मोड में एल्युमिनियम टीन्स यूज़ कर सकते हैं, और आप जो सिलिकॉन की टीन्स आती है वो यूज़ कर सकते हैं। मेनली उसमें माइक्रोवेव प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप सिल्वर की जो टीन्स यूज़ करते हैं उसमें आप ये ज़रूर चेक कर लें कि वो माइक्रोवेव प्रूफ हो, और सिलिकॉन की टीन्स में भी आप उसे बना सकते हैं। आपके पास कैसा भी ओवन हो, मोर और लेस फंक्शन सबके सेम ही होते हैं। तो जब भी आप यूज़ करें ओवन को तो सबसे पहले ये सेट रीसेट का बटन को दबा दीजिए, ताकि आपका ओवन रेडी हो जाए कि आप कौन सा इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको ये बटन दबाना होता है, जैसे माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में आप केक बना सकते हैं, माइक्रोवेव में यहाँ पर आप खाना गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो माइक्रोवेव को यूज़ करना इजी होता है। ग्रिल है सेकंड, जिसमें आप ब्रेड को, पनीर को इसे ग्रिल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा कन्वेक्शनल मोड, जिसमें आप केक, बिस्किट्स वगैरह बना सकते हैं, आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी ये ग्लास प्लेट बिल्कुल सही हो, रिंग में लगी हो, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप इसको सेट रिसेट को बटन को दबाए, यहाँ पर कन्वेक्शनल मोड यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो 180 डिग्री पर मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, ये टाइमिंग है 10 से लेकर 1 मिनट तक और 10 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक। तो यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट आपको प्रीहीट करके दिखा रही हूँ। तो 180 डिग्री पर ये मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, तो ये हमारा ओवन प्रीहीट होने लग गया है।
तो इस तरह से ये आपका केक को केक बनाने से पहले या बिस्किट बनाने से पहले इसे प्री हीट करना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका केक जब आप उसमें डालें तो एकदम गर्म ओवन में जाए। तो अब यहाँ पर ये इसे मैंने एक बार दबाऊंगी तो ये सिर्फ एक बार होल्ड हो जाएगा। आप इसमें आप केक वगैरह चेक करनी हो तो आप एक बार दबा कर इसको खोल सकते हैं। आप इसे दो बार दबाएंगे तो आपका ये फंक्शन करना बंद कर देगा, एक बार वापस आपको सेट करना होगा। ये यहाँ पर माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन भी है और यहाँ पर कन्वेक्शन मोड, तो आप दोनों में ही केक बना सकते हैं। जब आप माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन में केक बनाते हैं, यहाँ पर 200 डिग्री मेरा मैक्सिमम है, तो इस तरह 200 डिग्री पर मैं इसे लेकर आ गई हूँ। तो अब इसमें टाइमिंग सेट करनी है हमें, ये यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 मिनट सेट करी हूँ। जब आप कपकेक्स वगैरह बनाते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपकी केक बन जाती है जब आप माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन दबाते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंदर केक नहीं है। तो ये इस तरह से आप माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी केक फटाफट से बन जाएगी। आप कन्वेक्शन पर बनाएंगे तो केक बनने में टाइम लगता है, तो मैं तो प्राय प्राय इसमें माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन में ही केक बनाती हूँ और केक के रिजल्ट 100% अच्छे निकल कर आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, सही आपके काम आई हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, आपको पूछना हो, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।